मैंने Flipkart पे TWS सर्च किया है और यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बोल्ट का Y1, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा रेटिंग है यहाँ पे, और इसका अपग्रेडेड वर्जन Y1 Pro आ चुका है जो कि सिर्फ 1100 रुपए का है। देखते हैं भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि इतनी अच्छी रेटिंग है इसकी। खोल के देखते हैं और इसकी अच्छे से टेस्टिंग करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो बॉक्स के अंदर भाई सबसे पहले तो QR स्कैन करके वारंटी मिल जाएगी, छोटी सी बुकलेट है जिसके अंदर आपको बताया है कि इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे TWS आते हैं, साथ में एक्सेसरीज आती है जिसके अंदर हमको पता ही है क्या मिलेगा, 2 ईयर टिप्स के आपको एक्स्ट्रा पेयर मिलते हैं और साथ में एक छोटी सी USB केबल मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाते हैं भाई। अब इसका डिजाइन देखो, सबसे पहले तो आप मेटालिक से फिनिश वाला डिजाइन है जबकि है ये प्लास्टिक और काफी अच्छा डिजाइन है, मतलब देखने में काफी अच्छे हैं। पीछे USB-C पोर्ट मिल जाता है और अगर आप इसको खोलते हो TWS पड़े हुए मिल रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग है, लेफ्ट राइट है यहाँ पे। वैसे फिनिशिंग वगैरह आपको साइड से और अंदर से ये प्रॉपरली काफी अच्छी मिल जाती है। Y1 से कंपेयर करें तो ये Y1 Pro काफी प्रीमियम लगता है, बट एक चीज है का ये जो हिंज है ना थोड़ा लूज है हिंज, तो ये अपने आप ऐसे बंद हो जाता है, बट ओवरऑल इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको बूम एक्स टेक्नोलॉजी मिलती है 13 mm के ड्राइवर्स के साथ, जिसका मतलब है कि जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। 13 mm के ड्राइवर सबसे बड़े ड्राइवर्स होते हैं तो काफी ज्यादा क्लियर साउंड है। बेस भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि 13 mm के ड्राइवर से बेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है, जबकि पहले वाले Y1 में 10 mm के ड्राइवर से तो अच्छा अपग्रेड कर दिया। अब बेस ना बहुत ज्यादा भी नहीं है कि आपको सिर्फ बेस ही सुनाई दे, ऐसा भी नहीं है, और बहुत कम भी नहीं है, मतलब अच्छे से बैलेंस है जो बेस है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अच्छे से सेपरेट होकर आपको सुनाई देते हैं। अब इसकी कॉल क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो गई है क्योंकि पिछले में तो 2 माइक्स है ना Y1 में, इस बार इस Y1 Pro में 4 माइक्स हैं, वो भी ENC के साथ। पर अब मैं इसे बात करके देखता हूँ। तो इस टाइम जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे नॉइज नहीं है खास, ना कोई फैन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे से आवाज सुन रही है। अब चेक करते हैं बाहर ट्रैफिक में जाके कि वहाँ पे कैसी ऑडियो क्वालिटी। तो मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप चेक करो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। थोड़ी बहुत यहाँ पे कार्स है, रोड है, ट्रैफिक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी नॉइज उतनी अच्छी कॉल क्वालिटी ना आ रही हो, बाकी आप बताओ। बाकी इसी के अंदर आपको सारे टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिंगल टैप से पॉज हो जाता है, सिंगल टैप से प्ले हो जाता है, राइट पे डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग चल पड़ेगा, लेफ्ट पे डबल टैप करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग दोबारा चल पड़ेगा, राइट पे ट्रिपल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, लेफ्ट पे ट्रिपल टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। बाकी अगर आप किसी पे भी टैप एंड होल्ड करोगे 2 सेकंड के लिए तो इसका गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी वेक हो जाएगा इस तरह से। कॉल को आंसर करने के लिए आपने सिंगल टैप करना है, डबल टैप करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर आप किसी भी बटन पे ऐसे 4 बार टैप करोगे तो इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। अब मुझे ना इनकी बैटरी सबसे सही लगी क्योंकि भाई एक बड में आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है सिंगल चार्ज में, साथ में जो केस है अगर इसका कंबाइंड बैटरी बैकअप देखे तो 60 घंटे का बैटरी बैकअप है। पिछले वाले Y1 में 40 घंटे था, इस बार तो भाई 60 घंटे दे दिया, आराम से कई दिन तक चल जाएंगे। और क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है तो 10 मिनट चार्ज करोगे 2 घंटे चलेंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिलता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, तो कनेक्टिविटी में तो कोई इशू नहीं आने वाला। साथ में आपको SBC के साथ साथ AAC कोडेक भी मिलेगा, मतलब बिल्कुल HD में सब कुछ सुनाई देगा। बाकी इन पे गेमिंग भी मैंने काफी टाइम तक करके देखी, अलग अलग गेम्स खेल के देखी, और कोई खास ऐसे लैग वगैरह नहीं आता, लैग फ्री गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। बाकी आप खुद चेक करके देखो। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है, तो मतलब अगर आप इसको थोड़ा जिम पहन के जा रहे हो, बाहर रनिंग करने जा रहे हो, थोड़ी बहुत बारिश आ रही है या पसीना आ रहा है आपको, तो इसको ऐसा कुछ होने नहीं वाला, आराम से यूज करो। तो अब देखते हैं कि आपको ये परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो 1100 के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बेस बूस्टेड भी है और वैसे भी बहुत पसंद है मुझे इसकी साउंड क्वालिटी 13 mm के ड्राइवर्स के साथ, और क्योंकि मेटालिक डिजाइन है तो काफी प्रीमियम लगता है दिखने में। कॉल क्वालिटी भी डिसेंट है और गेमिंग भी आपने देख लिया कि इजिली आप गेमिंग भी कर सकते हो उसके ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बाकी लॉन्च प्राइस है, कुछ दिन में महंगा हो जाएगा तो उससे पहले इसको खरीद लेना। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।